हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। फ्रेंड्स, ये जो है मतलब एक मस्त वाला बवाल चीज हुआ। देखो यहाँ पे सब मार खा रहे, सब मार खा रहे दीवार के आर पार। और ये जो बात है क्लास को रैंक की थी 7 जनवरी। देखो मैं मरे जा रहा हूँ, बंदे का ये लैग नहीं। फिर देखो उसको मतलब क्या है, वो हैकर है, उसको पता नहीं है कि बंदे का है। मतलब वो एक जगह जहाँ पे गोली चला रहा है वहाँ पे उसको पता चल गया कि यहाँ पे बंदे, फिर उसको रिवाइव करेगा। वो बंदा जो था वो शायद से स्टार मार्क वाला था, वो शायद स्टार मार्क वाला था जब तक मुझे याद है। देखो वो ऊपर ही होगा, ये DNRNS। मैं अपने सभी बंदे को रिवाइव दे रहा था क्योंकि वो पता नहीं वो भगवान समाज है। अरे आप इन्हें डेग रही। चलो फ्रेंड्स, ये हुई थी 7th की बात। ये पूरा 4 मिनट का वीडियो है, जाके मतलब पूरा देखो यार, और एक बार ये पूरा ख़त्म ही कर देगा मुझे। ये मेरा फ्रेंड जयत्रा, उसने मेरे को रिवाइव दिया वॉल लगा के। बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा प्लेयर है, और अब मैं डायरेक्ट मर जाऊँगा। मरा नहीं, देखा मैं मर गया। ये स्टार मार्क वाला ही है फ्रेंड्स। ये जो बात है ना वो है 7 जनवरी की दोपहर के करीबन 2:30 हुए होंगे, 2:30 नहीं, 2:20 या 2:24 को हमने मैच स्टार्ट की थी, और 2:29 को हमने मैच रख दी थी। बहुत ओपी मैच था ये। देखो ये राउंड में तो उसको अगर लोकेशन पता चल जाते हैं कि बंदे कहाँ पे, तो वो जगह के कंटिन्यूस मार करते हैं, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पे मैंने एक खत्म किया, मतलब एक नॉक किया है। तो अब क्या होगा उसको, उसको एक एडवांटेज मिलेगा। उसको पता है कि इसका बंदा इसको यहाँ पे रिवाइव करने आने वाला है। देखो ये सब सॉलिड कवर में है, मेरा भाई भी खड़ा रह गया यहाँ पे कि भाई मार तो खाने ही। अब सब सब ने सोच लिया था कि अब माइनस है। ये जयत्र है ना वो हीरोइक, हम भी हीरोइक आ गए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हीरोइक जाने की, मतलब हीरोइक तो बच्चा भी जा सकता। देखो गंदी पड़ रही है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे है बंदा। देखो पड़ गई, ये मार रहा है। देखो मेरे को आधी हेल्थ पे लोगों ने रियाय दिया है, मैं जस्ट मरते मरते बचाऊं। देखो उसको जहां में, उसने जहां मेरे को मारा है ना, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। बस ये जो है ना, मैंने हैकर सेकंड टाइम फेस किया, और एक जो एक बार तब किया था जब मैं क्लास शादी क्लास, वो शादी थी पहले तो रैंक रैंक तो होती थी उस समय, पर वो वाली वो ऑस्ट्रेलिया रैंक होती है ना, बरमूडा रैंक, वो वाली मैं वो वाली रैंक खेल रहा था। पर बात क्या होती है कि मैं असली रैंक नहीं खेला था, मैं नॉर्मल रैंक, ठीक है, नॉर्मल रैंक भी नहीं, मैं क्लासिक खेल रहा था। उस समय कोई और मैप नहीं था, पर परगेट ही था, परगेट नहीं, हम लोग बुलजाई पे लैंड हुए थे। स्कोर थी जॉय वो सब नहीं खेला क्योंकि उस समय उसके पास डीएस नहीं था। फिर आधे महीने बाद देखो ये हैकर मर गया, हैकर मर गया, उसके पास एके थी। जज ने मेरे को बोला कि देखो एक ही चाहिए तो ले ले, तो मैंने बोला नहीं नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ये उसने मेरे को, वो जो बंदा था ना उस बंदे के पास टाटा थी, टाटा सा सबको कुचल रहा था। देखो ये बॉट था हैकर, पूरा बॉट हैकर। फिर हमारी डिस्कशन हुई पूरी, देखो यहाँ पे सब बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्या बंदे थे ये, हम नहीं आए, ये हम 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आ गए थे। देख रहा हूँ बहुत बहुत ओपी मैच खेला ये जयत्रा ने। देखो इसको हमने चीट दे दिया है, चीट दे देने का फ्रेंड्स, ऐसे कोई घबराने का नहीं। देखो ये जो बंदा है ना जिसको मैंने अभी चीट किया, ये नहीं सर, चीट दे दो ना भले आपका आईडी बैन हो जाए। मैं थोड़ा हम समझते हैं कि आईडी बैन होने के बाद क्या रिएक्ट करते हो, पर पूरा उस बंदे का आईडी आपको निकाल लेने का, उस बंदे का आईडी रहना ही नहीं चाहिए गरीना का। और गरीना के मेल में आप मेल करो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि आप मेल, टाइम खत्म हो गया था उसीलिए, तो मेल कर दो आप, ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और जो मेन जो मेरा मतलब स्काउट का ऐसे अनकट लाइफ हुआ था, मतलब उसका चैनल हैक हो गया था, वैसे मेरे साथ भी वही इंसिडेंस हो गया। मैंने बैक मारा अपनी गेम से COD में, और पूरा मतलब आईडी जो था वो आईडी जो था मेरा वो बैन होके लिख के आ रहा है कि तुम्हारा आईडी बैन हो गया है।
पर वो अच्छी बात है कि बैन मतलब वो वाला बैन नहीं था कोई, ऐसा हमारे में प्रोहिबिट नोटिस आती है, इसमें प्रोहिबिट नोटिस नहीं था, डायरेक्ट बैन था। फिर मैंने मतलब मैं पूरा टेंशन में आ गया था, तो इसीलिए बहुत वीडियोस भी नहीं आए, इसीलिए तो देखो फ्रेंड्स वीडियोस भी नहीं आए, मेरे को पता है। वो मैं पूरा टेंशन में आ गया था, और टेंशन में आने के कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता था। मैं उस दिन पूरा सोच रहा था, मैं रात को सो भी नहीं पाया। फिर रात को मैं 3 बजे आईडी खोल के देखा, तब मैंने देखा कि भाई अब अनबैन हो गया है, सिर्फ 12 घंटे बाद अनबैन होता होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वहाँ 1 दिन बाद देखो, और ये देखो मैं पिक्चर इसके बाद दिखा रहा हूँ, देख लो। फ्रेंड्स देखो ये वैलिडेटिंग गेम आ रहा है, मम्मी के फोन से खेल रहा हूँ, ये वैलिडेटिंग गेम आ रहा है। झरने बोला कि जा तू अब खाने, मतलब खाने का जो बात है वो ट्यूशन के बाद, स्कूल का जो एग्जाम एग्जाम क्या क्लासेस के बाद हम खाते हैं। तो देखो अब ये नोटिस आ रहा है, मैं फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने अपना फेसबुक खोल लिया। इसमें देखो अब नोटिस आ रहा है मेरे को, लोड नहीं हो रहा, इस अकाउंट हैज बीन बैंड एक्सपायर एक्सपायर ऑन दिस डेट। ये एक्सपायर मैंने 1 घंटे बाद हो गया था आई थिंक सो, या फिर 12 घंटे बाद, या फिर 24 घंटे बाद होता है, या फिर मैं अच्छा प्लेयर हूँ इसलिए। अच्छा प्लेयर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते ये लोग। तो बाय बाय फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस इज मास्टर गेमर साइनिंग ऑफ।